हाँ बुआ जी। राजवीर पुत्र तू कहाँ है? बुआ जी क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, सब ठीक है ना? अरे वो प्रीता जी अभी तक घर नहीं आई है और अभी अभी मैं टीवी देख रही थी, प्रीता जी जिस बैंक में गई है ना वहीं पर चोर घुस आए हैं और उसे लूट रहे हैं। क्या बुआ जी क्या बोल रहे हो, आपने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? अरे अब्बा मैं कब से फोन ट्राई कर रही थी तुम्हारा लेकिन फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा था। मेरे को ना प्रीता जी की बहुत टेंशन हो रही है, मतलब वो ठीक तो होंगी ना? बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, माँ को कुछ नहीं होगा, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा कैसे चलेगा सर, वो रोबर तो बात करने को तैयार नहीं है। पता नहीं फोन भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पुलिस की यहाँ सारी प्लानिंग फेल हो रही है, वो अंदर रॉबर्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और तो और उनके पास कोई प्लान भी नहीं है स्ट्रेटजाइज करने के लिए। यहाँ इतनी पुलिस है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कब किसकी जान चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे क्या होगा कैसे होगा ये सब देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक पहुँचाते हैं सच्ची और अच्छी खबर। मेरी माँ, मेरी माँ है अंदर, मेरे बॉस, मेरे बॉस, मेरे बॉस अंदर। नहीं अंदर नहीं जा सकते सर। इंस्पेक्टर वो हमारी फैमिली क्या, प्लीज उसको अंदर आने दीजिए। आने दो अंदर। ओके ओके सर। सर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? ये लोग तब से अपनी टीम ही अंदर भेज रहे हैं, अंदर लॉकर रूम में प्रीता जी और काव्या फंसी हुई हैं और ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ और पता नहीं क्या कह रहे हैं कि लॉकर रूम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, काव्या ब्रीथ नहीं कर पा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं बेटा। अरे तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, वो लॉकर का दरवाजा कैसे खोलेंगे? राजवीर कर रहे हैं, ये लोग अपनी टीम अरेंज कर रहे हैं, अंदर करण है, वो प्रीता जी को काव्या को बचाएगा, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा तो वो हैंडल करेगा, टेंशन मत लो। नहीं मुझे भरोसा नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, कोई कब क्या करेगा कुछ नहीं पता। अब मुझे कुछ करना होगा, अपनी माँ और बहन को मुझे ही बचाना होगा। माँ एक बेटा और एक भाई आ गया है, अब ये आप दोनों को बाहर निकालेगा। अश्वी ये कहाँ चला गया? तुम सब, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? हाँ वैसे तो इतना बोलते रहते हो साइको साइको साइको, अब क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे प्रीता को मारने के लिए और तुम लोग गलती पे गलती किए जा रहे हो। तुम्हें पता है करण को पता चल गया है कि प्रीता की जान खतरे में, अब वो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो पागल होता है ना उसे कोई दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ अपनी बेटी और प्रीता दिखाई देगी। ज्यादा चिल्ला चोट मत कर समझी? और सर मार का दिमाग पहले से खराब है, और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? ऐसे ही बोलते रहते साइको है साइको है, कैसा साइको है? इससे बड़ा साइको ना तो वो करण है, उसे अभी पता चल गया ना कि प्रीता की जान खतरे में, अब देखना वो कुछ भी कर जाएगा अपनी बेटी और प्रीता को बचाने के लिए, और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। मार की बात को दिमाग में मार कर। ओ मैडम, अगर वो करण साइको है ना तो अपना मार्क उससे बड़ा वाला साइको है। मार्क पर चिल्लाना ही चाहिए था मैडम। सुन अब तो हम उस औरत को तभी मारेंगे जब तू मार्क से माफी मांगेगी। सॉरी बॉय। हेलो हेलो हेलो, वरना ये सनकी ना उस करण को जाके सब बता देगा कि आप क्या चाहते हो। बिल्कुल सही बोले लोग, और वैसे भी माँ को रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, चाहे वो जबरदस्ती वाली ही क्यों ना हो। सीधी बात, नो बकवास। या तो मार्क से सॉरी बोल या तो मार्क तुझे एक्सपोज कर देगा। और वैसे भी उस झांसी की रानी को मारने में उतना मजा नहीं आएगा जितना तुझे एक्सपोज करने में आएगा। या तो सॉरी या फिर एक्सपोजिंग। बोल भाभी। मुझे माफ कर दो। हाँ क्या 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 बोली? आई एम सॉरी। सॉरी जा, माफ कर दिया जा। और दोबारा ये बेवकूफी मत करना और हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना।
और अपुन लोग को अपुन लोग का काम करने दे। और वैसे भी अपुन लोग किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, अब तेरा लिया है उस प्रीता को मारने का, तो मारेंगे, जरूर मारेंगे। चल जा, ए, अब उन लोगों का लॉकर रूम जाना है, चल। और हाँ, वो करण भी वहीं होगा, प्रीता और काव्या के पास, चलो रे। नीचे चल के तो वहीं निपटाते हैं, चलो। सच में साइको है, पूरे के पूरे साइको है। खैर, मुझे क्या, साइको हो या जो भी, बस मेरा काम हो जाए, प्रीता मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, उस प्रीता को मार दे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कैसे भी अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मेरी माँ और बहन उन गुंडों के बीच में फंसी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विंडो, मैं विंडो से अंदर जा सकता हूं, लेकिन विंडो तक पहुंचूंगा कैसे? मैंने रस्सी देखी थी, अगर कहां देखी थी, मैं रस्सी की हेल्प से ऊपर जा सकता हूं। इन पुलिस वालों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग कुछ करने वाले हैं या कर सकते हैं। अरे ना बुआ, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। और कुछ भी प्लान कैसे करेंगे, अंदर रॉबर्स हैं, उनके पास हथियार है। ऐसे बिना सोचे समझे अगर ये कूद जाएंगे ना, अपनी टीम को अंदर भेजेंगे, तो किसी की जान खतरे में हो सकती है। इनका एक गलत कदम किसी की जान ले सकता है, तो कैसे, इनको पहले प्लानिंग तो ढंग से करें, इनको समझ ही नहीं आ रहा। करीना बुआ, क्या हुआ? इधर आइए, पानी, जरा पानी मिलेगा प्लीज, पानी, जरा मुझे पानी मिल, करिए हम ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, नहीं, आपकी तबीयत खराब हुई है, ये आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, आप यहाँ पे खड़े होकर टेंशन ले रहे हो ना, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं ठीक हूँ। करीना बुआ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है, आप मेरे साथ घर चलो, हम लोग घर चलेंगे। आप मेरे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे करण, काव्य और प्रीता अंदर है, मैं घर कैसे जा सकती हूँ बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं, अच्छा, मैं यही रहूंगी। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आपके यहाँ पे रहने से करण काव्य बाहर आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। आप मेरे साथ चलो, आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना, आपको और ज्यादा टेंशन होगी, आप अपनी तबीयत और खराब करोगे, हम लोगों को और टेंशन हो जाएगी। करीना वो, आप प्लीज मेरी, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं रहूंगी। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो, आप मेरी बात को समझो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा ना, आपको क्यों टेंशन है, आप मेरे साथ चलो। नहीं करीना बुआ, आपको मेरी कसम है, प्लीज प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, आपको लगता है कि मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा, और आप प्लीज, आपकी तबीयत, आप मेरे साथ आइए प्लीज। करीना बुआ, करीना बुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप बस यहाँ पे आइए, आप ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो, पहले मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए, अब आप जाने का नाम नहीं ले रहे। जिद तुम कर रहे हो ऋषभ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे यहीं रुकना है, मेरे बच्चे अंदर है। आपके यहाँ पर बाहर रहने से वो बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, आप मेरी बात सुनो, वो आप बाहर आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो बाहर आएंगे ना, तो मैं अपनी आंखों से उन तीनों को देखना चाहती हूँ।
तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। अब आप मुझे बताओ, जब वो लोग बाहर आएंगे और वो आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा? कब आएंगे बाहर? करीना बुआ वापस आएंगे, जब वो आएंगे तो आपको सारी न्यूज ऑलरेडी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगा। करीना बुआ प्लीज प्लीज, करीना बुआ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको मेरी कसम है, आप मेरे साथ जिद मत करो प्लीज, आपको पता है ना ऑलरेडी कितने स्ट्रेस है, प्लीज मेरी बात सुनो। बैठो अब बताइए मुझे किस तरफ जाना है, लॉकर रूम किस तरफ है? वो उस तरफ चल 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 आइए। अरे आपके तो बहुत खून निकल रहा है, साइड में आइए, इधर आइए, इधर आइए, मैं रुमाल बांध देता हूँ। मिस्टर लूथर मैं एक आपसे सवाल पूछूं? हाँ पूछे, जो पूछना पूछे, मैं माइंड नहीं करूंगा, वैसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस लॉकर रूम से बाहर निकालना है बस। उन्हीं के बारे में पूछना था। पूछना था मतलब? एक बार हो गया, कोई नई टेंशन है, कोई नई प्रॉब्लम है, किसी नई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क्या वो दोनों? अरे बताइए, छुपाइए मत। नहीं नहीं मिस्टर लूथरा, हमें सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? चेंज कर लिया मतलब? अरे चलिए यहाँ से गुंडे कभी भी आ सकते हैं। मिस्टर लूथरा थोड़ी देर पहले तो आप चीज ढूंढ रहे थे उन रॉबर्ट्स को देने के लिए, सो दैट आप उनकी मदद कर सके, लेकिन अब आप उनके खिलाफ क्यों हैं? मैं उनके खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे, वो दिखा रहे थे जैसा वैसे वो लोग नहीं है। ऑब्वियसली वो आपकी मदद क्यों करेंगे? अरे इतने बेरहम खतरनाक गुंडों से आप मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन हर प्रोफेशन का कोई ना कोई तो रूल होता है ना, कहते हैं ना कि जो झूठ का भी बिजनेस करते हैं वो एटलीस्ट आपस में सच बोलते हैं वो। और एक और कहावत तो सुनी होगी कि लोग बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करते हैं, मुझे वही लगा था कि ऐसे ही हैं लोग, लेकिन नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है। थैंक गॉड इस टाइम पे आपका दिमाग काम करने लगा और आपने उनको चाबी नहीं दी। अरे आप ऐसे लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसे खतरनाक और बेरहम गुंडों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आई नो, अरे वो लोग कोई साधारण चोर नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो साधारण चोर नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अपना माइंड क्यों चेंज किया है, मैं बताता हूँ आपको मैंने माइंड क्यों चेंज किया है, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं चोरों के साथ डील नहीं कर रहा, मैं ऐसे इंसानों के साथ डील कर रहा हूँ जो इंसान नहीं हैवान, जिनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आइए इधर आइए, इनके लेना किसी की जान लेना चुटकियों का खेल है, ये दो बार नहीं सोचते किसी की जान लेने से पहले। बस काव्या, बस अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, तू आंखें खुली रख और सांस लेती रहे। नहीं नहीं काव्या, आंखें बंद मत कर, मुझे देख, मुझसे बात कर। हाँ सब ठीक हो जाएगा काव्या, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या मुझे लगता है किसी को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं, तो उन्होंने ये सब बंद कर दिया है, देख ये धुआं ये बंद हो रहा है। सक्शन मोड ऑन। नहीं सब ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, तू चिंता मत कर, तू सांस ले, ये ले। काव्या कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढूं दोनों को? We'll be right back.
जाके माँ और काव्या को ढूंढता हूँ। आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे? देख नहीं रहे, सवाल पूछ रहे। आज तू बता ही दे, सब कुछ सच सच बता दे। हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारे सामने जो हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। वो सब क्या है, बता क्यों नहीं रही तू? माँ पर क्या हो गया? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने परेशान हो रहे हो? अरे परेशान तो होंगे ही ना, बल्कि तूने हम सबको और हम सबके साथ साथ तूने शौर्य को भी परेशान कर रखा है। क्यों ना आज मुझे एक बार सच सच बता दे, तूने ऐसा क्या किया है उसके साथ? मैंने क्या किया है शौर्य के साथ? मैं क्या करती क्या हूँ? और हम शौर्य की बात क्यों कर रहे हैं शनाया? शौर्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शौर्य इस घर का और मेरा होने वाला दामाद है, इसलिए हम उसकी बात जरूर करेंगे। यू नो व्हाट, कुछ तो है, क्योंकि जिस तरह से ना शौर्य तुझसे बात करता है, हमेशा तुझसे लड़ता रहता है, तुझे कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है, सिर्फ वियर्डो जैसे बिहेव करता है ना, पक्का कुछ तो प्रॉब्लम है। और तुझे पता है क्या, तेरा और शौर्य का जो ये चलता रहता ना, ये लड़ाई झगड़ा, इसका सबसे ज्यादा असर ना मेरे रिश्ते पे होता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उसे थोड़ी कुछ कहती हूँ, वो खुद ही मुझे कुछ भी अनाप शनाप बोले जाता है, तू देखती नहीं है क्या? और शौर्य हमेशा से ऐसा था, तू नोटिस अप करने लगी है। वो ऐसा क्यों बिहेव करता है आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन बेकिन क्या क्या ये लेकिन बेकिन, ये लेकिन बेकिन डाल अपने पर्स में, समझी तू? और जो कुछ मैं कह रही हूँ कान खोल कर वो बात अपने दिमाग में फिट कर ले। तू अगली बार जब भी शौर्य से मिलेगी पहले तू उससे माफी मांगेगी। असोड़ा पुत्र तू ध्यान रखियो, ये जब भी उससे मिले पहले उससे माफी मांगे। हाँ तेरे भाऊजी ने ना इसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, इसे जब इसे मौका मिलता मेरे सर पर ये डांस करने लगती है, है कि नहीं? लेकिन माम मैं लेकिन लेकिन अब मुझसे जवान लड़ाएगी तू? अच्छा ठीक है मम्मी, अभी ज्यादा मत डांटो उसे, ज्यादा हो रहा है। एनीवे चल वो रिमोट पास कर मुझे, पता है वो बड़ी देर से मेरा फैशन शो आ रहा था, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था ना, तो मेरा देखने का मन नहीं कर रहा था, जल्दी दे अभी देखूंगी। आई मेरा थोड़ा ना स्टेबल है माइंड, दे गुस्सा है ना तो खुद ही ले ले, मुंह फुलाने की जरूरत नहीं, रिमोट पास करने को कह रही हो सिर्फ। अरे अभी मैं बात कर रही हूँ ना तुझसे, दे दे रिमोट। देखो तब तो मुसीबत, किसी के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिटी स्क्वायर बैंक में रॉबर्ट्स घुस आए हैं, ये रॉबर्ट्स काफी खतरनाक है, अंदर बहुत सारे लोग फंसे हैं, उन सब की जान खतरे में है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए अब तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। राजवीर यहाँ क्या कर रहा है? एग्जैक्टली आई मीन मतलब अगर ये सबसे बचकर बैंक के अंदर जा रहे हैं, यानी कि फैमिली का कोई मेंबर अंदर फंसा हुआ है। ओह गॉड शनाया, मुझे काव्या ने मैसेज किया था कि वो बैंक जा रही है ज्वेलरी निकालने, इसलिए राजवीर रुक 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 मैं तेरे साथ आ रही हूँ। अरे अरे अरे, 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 अरे भाई रब्बा, मेरी दोनों लड़कियों ने पता नहीं कैसे मुंडे पाल के रखे हैं, इन दोनों के खानदान ने जैसे कसम सिखा रखी है कि कभी चैन से बैठेंगे ही नहीं, ये मुसीबत की घंटी अपने गले में बजाते ही रहेंगे। टन 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 टन, वो पहले शौर्य मुसीबत के गले पड़ गया, और अब देखो ये राजवीर भी मुसीबत के पल्ले पड़ने जा रहा है। भगवान अब क्या होगा? काव्या डर मत, आराम से सांस लेने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। सच में सांस नहीं आ रहा। नहीं नहीं ऐसा मत सोच, तू पैनिक मत कर, आराम से लंबी सांस ले। मुझे सच में सांस नहीं आ रहा है मम्मा। काव्या की हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा डर गई है, इसीलिए शायद घबराहट में मुझे माँ कहकर पुकार रही है, अपनी माँ को बहुत याद कर रही होगी, इसीलिए शायद मुझे माँ। प्लीज मैंने कहा ना मुझ पर भरोसा रख, बिल्कुल चिंता मत कर, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोई कोई हमें बाहर निकाल देगा, तू डर मत, तू सांस लेने की कोशिश करती रहे, आराम से। प्लीज काव्या प्लीज हिम्मत मत हार, सांस लेने की कोशिश कर, आराम से लंबी सांस की।
जरूर कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। भगवान बहुत बड़े हैं, किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तुमने कहा ना कि तुम्हारे डैड यहाँ है बाहर, देखना अभी वो यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा ना तुम्हारे डैड है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सांस लो काम है, सांस लो प्लीज, घबरा मत, सांस लो, सांस लो।